जो कल के व्लॉग में आपने ये वाहियात किस्म की जाहिलाना हरकतें करी थी, ऐसे करते हैं व्लॉगिंग? भैया व्लॉगर हो ना, कुछ इंगेजिंग कंटेंट बनाओ, कुछ इंटरेस्टिंग चीजें बनाओ, बाहर जाओ, रोडों पे वीडियोस बनाओ, ये बातें करने के लिए होती व्लॉग्स। अगर आप लोगों के जहन में ये सवाल उमड़ उमड़ के निकल रहा है और बहुत जोर से आपको ये सवाल आ रहा है तो व्लॉग आपके लिए, और अगर नहीं आ रहा तब भी देख लो, कुछ उखाड़ तो नहीं लोगे 4-5 मिनट के अंदर। तो भाई मैंने स्टार्टेड व्लॉगिंग, मेरे जहन में ये आइडिया नहीं था कि मैं अपनी जिंदगी को स्क्रिप्ट करना स्टार्ट कर दूंगा कि मेरा डे वन ऐसा होगा, डे टू ऐसा होगा, डे थ्री ऐसा होगा। देखो लाइफ का बेस्ट पार्ट ये है कि वो अनसर्टेन है, कभी भी कुछ भी हो जाता है, कभी भी कुछ भी हो सकता है, और इसी वजह से लाइफ इंटरेस्टिंग होती है। अब अगर लाइफ को मैं स्क्रिप्ट कर दूंगा तो बोरिंग हो जाएगी, हालांकि सुनने में अजीब लगता है, लेकिन हाँ लाइफ बोरिंग हो जाएगी अगर लाइफ स्क्रिप्टेड होगी तो। इसलिए मेरे कुछ व्लॉग्स बहुत ज्यादा बुरे होंगे, कुछ व्लॉग बहुत ज्यादा अच्छे होंगे, कुछ व्लॉग्स और भी ज्यादा बुरे होंगे। इसलिए आई वॉन्ट टू कीप इट रियल। मैं जिंदगी के एसेंस को, जिंदगी के ट्रू एसेंस को खराब नहीं करना चाहता, इसलिए कल का व्लॉग थोड़ा बहुत ज्यादा बोरिंग था। बहरहाल अब तो हो गया, अब तो कुछ हो सकता नहीं है, तो रोने का फायदा भी नहीं। खैर अभी 2:30 बजे हैं, शायद नहीं 1 सेकेंड, हाँ अभी 3:30 बजे हैं, और स्कूल से वापस आया हूँ, नहाना है, सोना है, कुछ खाना पीना है, तो फिर शाम को मिलते हैं आपसे, अगर मैं रात को 11-12 बजे तक सोता नहीं रहा तो। भाई मसला हो गया, मैं सो रहा था और टेस्ट पेपर सब्बा के हाथ लगे। अब अगर उन्होंने मुझे व्लॉग करते हुए देख लिया तो या तो कैमरा बाहर जाएगा या मैं बाहर जाऊंगा। तो अब सिर्फ पढ़ाई करनी है, और ऐसी पढ़ाई करनी है, मैं पढ़ता रहूंगा जब तक 4-5 घंटे पूरे नहीं होते ना, सिर्फ पढ़ाई करूंगा। ये कैमरा वैमरा ये सब बाद में आएगा, सिर्फ पढ़ाई, ठीक है? अभी आप देखिएगा, अभी बॉय पढ़ेगा और सिर्फ पढ़ेगा। साइंस की रिसर्च है कि जब आप इतना देर तक पढ़ते हो तो आपको कोई डिस्ट्रैक्शन चाहिए होती है ताकि अब आपको रिचार्ज कर सके। तो मैं 4 घंटे से पढ़ रहा हूँ, या पता नहीं 4 घंटे नहीं ज़्यादा बोल गया, 2-3 घंटे से लगातार पढ़ रहा हूँ, तो आई नीड समथिंग टू डिस्ट्रैक्ट मी। तो मैं इसलिए जा रहा हूँ इस वक्त बाहर कुछ खाने पीने, अभी जा रहा हूँ बाहर कुछ खाऊंगा, फिर वापस आऊँगा 1-2 घंटे तक, उसके बाद ब्लॉग एडिट करूँगा। ब्लॉग एडिट करके उम्मीद है कि सो जाऊँगा अगर नींद आ गई रात को टाइम पे, तो और अगर नहीं आई तो फिर शायद मैं दोबारा वीडियो बनाऊं, लेकिन मोस्ट प्रोबेबली ये व्लॉग जब मैं खाना खा के वापस आऊंगा तो एंड हो जाएगा। तो भाई यार लाइटिंग इतनी ख़राब है, ऐसा नहीं होता ना, हाँ 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 ऐसी प्यारी लाइटिंग आती। खैर हम लोग अभी जा रहे हैं पढ़ाई के बाद कुछ खाने पीने, और अकेले नहीं है भाई, हमारे साथ दोस्त मौजूद हैं। देखो अगर खाने पीने कहीं जा रहे हो तो या तो उसको साथ ले जाओ या फिर कोई दोस्त साथ ले जाओ। तो हमारे साथ दोस्त है, वो कैमरे में पता नहीं क्यों नहीं आना चाह रहा, मैं नहीं जानता है। अब सीन यहाँ पे ये है कि या तो हम लोग अभी बिरयानी खाएंगे, क्योंकि यहाँ पे एक नई चेन खुली है आसिम अल्लाह वाला, पहले ईदगाह पे थी खाली और अब करीब में आ गई है, तो यहाँ से बिरयानी का सीन है, और बस अभी बिरयानी का सीन है। आपको दो लोग दिख रहे हैं, ये मुझे इस तरह देख रहे हैं, बावला पागल आ गया। पब्लिक में ब्लॉग करना आसान नहीं, पहले बता रहा हूँ।